वेलकम बैक सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द इंटरमीडियट एक्सपेरिमेंट लास्ट क्लास में ऑलरेडी हम फोटोसिंथेसिस के बारे में दो एक्सपेरिमेंट्स पढ़ चुके एक्सपेरिमेंट मोल हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट द इंटरमीडियंट एक्सपेरिमेंट सो वी बिफोर वी गोइंग टू स्टार्ट दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव टू डिस्कस अबाउट फ्यू पॉइंट ऑन दिंथिस सो हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में ओके फोटो सिंथिस जो प्रोसेस होती है जहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट यस यहां पर सोलर लाइट यानी लाइट जो सूरज से जो लाइट आती है उसका यूटिलाइजेशन होता है और उसकी यूज से हमें क्या मिलता है ग्लूकोज मिलता है जो कि इट इज परफॉर्म बाय प्लांट्स सो जब हम फोटोसिंथेसिस की बात करते हैं ये फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस होती है ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस दो रिएक्शन में डिवाइड होती है इट इज डिवाइडेड इंटू टू रिएक्शंस फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन एंड द सेकेंड इज डार्क रिएक्शन सो फोटो सिंथेसिस इन्वॉल्व टू प्रोसेस लाइट रिएक्शन एंड द डार्क रिएक्शन अब लाइट रिएक्शन की बात करते हैं नाम से ही क्लियर है कि ये रिएक्शन जो है ये प्रोसेस जो है लाइट पर डिपेंडेंट है ठीक है जबकि डार्क रिएक्शन जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट सो यहां पर हम लिखते लाइट रिएक्शन एटल फॉट इट इज दी डिपेंडेंट लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस इट इज लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस एंड डार्क रिएक्शन डार्क रिएक्शन से मतलब ये नहीं है कि लाइट की एब्सेंस में होगी डार्क रिएक्शन से यहां मतलब है ये लाइट इंडिपेंडेंट लाइट से इंडिपेंडेंट है ठीक है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट सो इट इज लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस यानी इसको लाइट दोगे तभी ये प्रोसीड होगा नहीं दोगे तब ये प्रोसीड होगा अब फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो कहां होता है इन दी लाइट रिएक्शन और इन दी डार्क रिएक्शन सो याद रखना फोटोसिंथेसिस में जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है वो होता है डार्क रिएक्शन में सो so, यहां पर ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा याद रखना लाइट रिएक्शन में ग्लूकोज का फॉर्मेशन नहीं होता लाइट रिएक्शन में दिन क्या होता है लाइट रिएक्शन में यहां पर सोलर एनर्जी जो है लाइट जो है वो ऑब्जर्व होती है बाय दी क्लोरोफिल मॉलिक्यूल एंड दिस इज दिस सोलर एनर्जी आर यूटिलाइज टू फॉर्म अ एटीपी यूटिलाइज टू फॉर्म ए टीपी एंड एनएडीपी एस टू मॉलिक्यूल जो कि क्या करते हैं एक एनर्जी की तरह काम करते हैं और वो यूटिलाइज होते हैं डार्क रिएक्शन में सो यहां पर क्या होता है लाइट रिएक्शन में इन दी लाइट रिएक्शन सोलर एनर्जी आर सोलर एनर्जी या लाइट आर ऑब्जोर्व बाय क्लोरोफिल मोलिक्यूल क्लोरोफिल पिगमेंट्स, सो और यहीं पर ही इन सोलर एनर्जी की यूटिलाइज से क्या मिलता है ए मिलता है एंड एनएडीपीएच टू मिलता है एनएडीपीएच टू यहां पर फॉर्म होता है यहां पर एनएडीपीएच टू फॉर्म होता है ठीक है इसको हम लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं यही एटीपी और एनएडीपीएच टू क्या होता है यहां पर यूटिलाइज होता है ठीक है so, सो यहां पर ये यह जो ग्लूकोज का फॉर्मेशन हुआ था ग्लूकोज का यहां पर जो फॉर्मेशन हुआ था वो किसी कि, किसकी वजह से हुआ है बाय यूजिंग द एटीपी एंड एनएडीपी टू बाई यूजिंग एटीपी एंड एनएडीपी टू यानी लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट्स सो डार्क रिएक्शन भले ही लाइट से इंडिपेंडेंट हो मतलब उसको लाइट दो तभी प्रोसीड होगी लाइट नहीं दो तभी वो प्रोसीड होगी लेकिन वो डिपेंडेंट है लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट्स पर लाइट डार्क रिएक्शन जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ लाइट बट इट इज डिपेंडेंट ऑन लाइट रिएक्शन प्रोडक्ट यानी एटीपी एंड एन ए डीपीएच टू सो अब यहां पर हमें ये कैसे पता लगा कि फोटो सिंथिस जो प्रोसेस होती है वो दो में डिवाइड होती है पहला लाइट की प्रेजेंस में एंड देन लाइट इंडिपेंडेंट होती है और ये हमें कैसे पता लगा कि फोटोसिंथेसिस में पहले लाइट रिएक्शन ही होती है देन डार्क रिएक्शन होती है सो so, ये सारी चीजों को प्रूफ करने के लिए साइंटिस्ट थे वार पर। वार्कपर ने इस चीज को प्रूफ करने के एक्सपेरिमेंट किया इट इज इंटरमीडियंट एक्सपेरिमेंट सो हम नेक्स्ट बात करते हैं इंटरमीडियंट एक्सपेरिमेंट के बारे में सो so, यहां पर इंटरमीडिएट एक्सपेरिमेंट जो है इट इज परफॉर्म बाय वार्पक ऑन क्लोरेला एलगी सो इट इज दिस एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म बाय वार्पक कहा किस पे किया गया था क्लोरेला एलगी पर किया गया था यहां पर हमने फोटोसिंथेसिस को अलग अलग सिचुएशन में करवाया कैसे सपोज फॉर एक् एग्जाम्पल हम यहां पर सिचुएशन कंडीशन ए लेते हैं यहां पर कंडीशन बी कर देते हैं ठीक है यहां पर हमने वो सारे रॉ मटेरियल्स प्रोवाइड कराए जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होता है दोनों ही कंडीशन में सो so, सपोज करो यहां पर ए जो है क्या है रॉ मटेरियल्स है जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं एंड हमें एंड में क्या मिलेगा प्रोडक्ट मिलेगा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट हम कह सकते हैं वो ग्लूकोस है ठीक है सो हम बी को क्या मान के चल रहे फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट मान के चल रहे यहां पर जो लाइट हमने दी है यहां पर कंडीशन ए में हमने जो लाइट दी है सपोज हमने लाइट यहां पर टेन मिनट की दी है और वो लाइट जो दी है हमने यहां पर जो लाइट दी है यहां पर हमने टेन मिनट का जो लाइट दिया है वो कॉन्टिन्यूस दिया हमने यहां पर लाइट जो दिया वो क्या दिया है कॉन्टिन्यूस दिया है So, हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्टिन्यूस हमने यहां पर लाइट दिया है जबकि सेकेंड सिचुएशन में हम क्या देखते हैं यहां पर भी सेम हमने वही रॉ मटीरियल प्रोवाइड कराए और लास्ट में हमें प्रोडक्ट uh, हम एस्टिमेट करेंगे काउंट करेंगे ठीक है लेकिन यहां पर हमने ये जो लाइट दी है वो इंटरवर्स में दी है इंटरप्ट करते करते दिए डिसकॉन्टिन्यूस फॉर्म में दिए ठीक है सो so, हम यहां पर लाइट तो दी है लेकिन इन अ डिसकॉन्टिन्यूस मैनर ठीक है नो डाउट यहां पर हम लाइट जो देंगे वो टेन मिनट का ही लाइट देंगे लेकिन इंटरवर्स में सपोज यहां पर मैंने दो मिनट का लाइट दिया देन अगेन टू मिनट का लाइट दिया देन अगेन टू मिनट का लाइट दिया देन टू मिनट देन टू मिनट यहां पर मैंने दो दो मिनट के गैप uh, में इंटरवर्स uh, में दस मिनट का ही लाइट दिया लेकिन इंटरवर्स में दिया सो so, हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं पर? What do you think? यहां पर वो डू यू थिंक यहां पर ग्लूकोज जो है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट जो है कहां पर ज्यादा मिला होगा कंडीशन ए में या फिर कंडीशन बी में सो so, हम यहां पर देखते हैं कंडीशन बी में हमें ज्यादा ग्लूकोज देखने को मिलता है ऐसा क्यों हमने यहां देखा कि यहां पर भी हमें जब हम लाइट दे रहे हैं जब हम लाइट दे रहे हैं तब भी हमें ग्लूकोज मिल रहा है और जब हमने लाइट हटा दिया यानी इंटरवल में भी हमें क्या देखने को मिला अमाउंट ऑफ इंटरवल फेज सो यहां पर भी हमें क्या देखने को मिला ग्लूकोज देखने को मिला सेम फिर से हमने लाइट दी तब वहां पर भी हमें ग्लूकोज देखने को मिला और यहां पर भी हमें क्या देखने को मिला ग्लूकोज देखने को मिला तो क्या और ये आगे तक चलता गया So, क्या हमें ये चीज इससे प्रूव हुई कि लाइट फोटोसिंथेसिस जो है लाइट रिएक्शन में लाइट डिपेंडेंट है फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है इट इज डिवाइडेड इनटू लाइट डिपेंडेंट एंड आल्सो आल्सो इट इन्वॉल्व लाइट इंडिपेंडेंट प्रोसेस यानी इंटरवल इंटरवर्स क्या है लाइट इंडिपेंडेंट है लेकिन यहां पर भी हमें ग्लूकोज फॉर्मेशन तो देखने को मिल रहा है सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आर इन्वॉल्व टू प्रोसेसिस टू रिएक्शन फर्स्ट इज लाइट रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में सेकेंड इज डार्क रिएक्शन ठीक है सेकेंड हम बात करते हैं कि यहां पर लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में जब हम रेट की बात करते हैं तो कौन सी फास्ट रेट में काम करेगी और कौन सी स्लो रेट पे काम करेगी सो so, यहां पर हमने देखा सो so, यहां पर हमें बहुत ही कम ग्लूकोज देखने को मिले ग्लूकोज का अमाउंट बहुत कम देखने को मिला और यहां पर ज्यादा ग्लूकोज का अमाउंट देखने को मिला ऐसा क्यों और ये जो नंबर था काफी वेरिएबल था काफी डिफरेंस था कंडीशन टू में काफी ज्यादा और कंडीशन टू में बिल्कुल भले ही लाइट ड्यूरेशन टेन मिनट का दिया हो लेकिन यहां पर विद इंटरवल्स यहां पर हमने ज्यादा टाइम दिया है ग्लूकोज फॉर्म होने के लिए तो यहां पर ज्यादा ग्लूकोज फॉर्मेशन हुआ जबकि यहां पर यहां पर कंडीशन बी में लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन दोनों को ही परफॉर्म करने के लिए हमने क्या दिया ओनली टेन मिनट्स दिए सो इस एक्सपेरिमेंट से प्रूव हुआ कि फोटोसिंथेसिस एक तो लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन बटा होता है दूसरा कि लाइट रिएक्शन एज कंपेरिजन फास्ट होती है और डार्क रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होती है क्योंकि जब हमने ग्लूकोज का अमाउंट काउंट किया तो बहुत ज्यादा वेरिबिलिटी आई यहां पर कंडीशन ए में उतना टाइम नहीं मिल पाया डार्क रिएक्शन को जिससे कि 10 मिनट में जितना भी एटीपी और एन टू बना है वो यूटिलाइज कर पाए इन डार्क रिएक्शन जबकि यहां पर हमने डार्क रिएक्शन को काफी सारा टाइम दिया है इस वजह से यहां पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल ज्यादा मिला है इस वजह से हमें ये चीज प्रूव हुई कि डार्क रिएक्शन एज कंपेरिजन स्लो होती है देन लाइट रिएक्शन राइट एंड दिस एक्सपेरिमेंट ऑल्सो प्रूव दैट लाइट रिएक्शन पहले होगी एंड दी uh, बाद में होती है डार्क रिएक्शन ठीक है लाइट रिएक्शन के थ्रू एटीपी एन एड डी पी एच टू बनते हैं जो कि यूटिलाइज होते हैं डार्क रिएक्शन में सो दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव मैनी थिंग्स फर्स्ट इज इट प्रूव दैट फोटो सिंथेसिस Photosynthesis involves two processes. First is light dependent, and the second is light independent.

It is also proved this experiment also prove that first process of photosynthesis first process of photosynthesis is light reaction and the second and the second process is रिएक्शन पहले फर्स्ट लाइट रिएक्शन होगा एंड देन डार्क रिएक्शन होगा और ग्लूकोज का जो नंबर हमें मिला काफी वेरिएबल मिला इसके नंबर में सपोज हम जहां हमने कंटिन्यूस लाइट दिया है वहां पर हमें 10 ही ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिला है ठीक है क्योंकि यहां पर डार्क रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए भी हमें बहुत ही हमने काफी कम टाइम पीरियड दिया जबकि जहां पर हमने डिसकॉन्टीन्यूअस लाइट दिया था वहां पर हमें हमने डार्क रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए काफी ज्यादा टाइम पीरियड दिया है सो so, ये चीज प्रूव करती है कि डार्क रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए और डार्क रिएक्शन जो है काफी स्लो है ठीक है सो इट इज ऑल्सो प्रूव दैट लाइट रिएक्शन Is fast and dark reaction is slower, slow process. Right? So, this is about the intermittent experiment. सो so, यहाँ पर इंटरमीडियंट जहां पर हमने डिस्कॉन्टिन्यूअस लाइट दी है जहां पर हमने डिस्कॉन्टिन्यूअस लाइट दी है उस लाइट को हम इंटरमीडियंट लाइट भी कहते हैं ठीक है सो दिस इज अबाउट दी इंटरमीडियंट एक्सपेरिमेंट नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आएंगे टिल देन टेक केयर